Let's do question number 49 of exercise 3E according to 2020 edition. Question number 49 is a fraction becomes 1 by 3. Fraction hai jo ki 1 by 3 ho jayegi when, kab hogi? When 2 is subtracted from the numerator. Ab hame fraction nahi de rakhi hai, to hum usko let kar lenge. Let the numerator be x, numerator be x and denominator be y, right? अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि fraction 1 by 3 हो जाएगी अगर 2 subtract हो numerator में से. तो अब हमारी fraction कितनी बन गई? Fraction equals to x upon y हो गया. अब fraction हो जाएगी 1 by 3 अगर 2 subtract हो numerator से. अब हमें पता है numerator ऊपर वाला होता है, denominator नीचे वाला होता है. तो denominator के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसको as it is रख दिया y. अब हम क्या कर सकते हैं? Cross multiply किया तो y into 1 equals to, तो ये आ गया 3 into x minus 2. तो ये कितना आया? y equals to 3x minus 2. तो 3x y दूसरी साइड ले गए और 2 हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए. तो 2 आ गया, प्लस का हो गया 2. ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है एंड इट बिकम्स 1 by 2 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर. अगर हम फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? 1 by 2 आ जाएगी इफ 1 सबट्रैक्ट होगा उसके डिनोमिनेटर में से. तो डिनोमिनेटर था y, उसमें से सबट्रैक्ट कर दिया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये कितना आ गया? 1 into y minus 1, ये as it is भी लिख सकते हैं, 2 into x. तो ये आया y minus 1 equals to 2x. तो 2x y उधर की साइड ले गए, माइनस का हो गया, equals to minus 1. ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, राइट? अब हम दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आया 3x minus y equals to 2 and 2x minus y equals to minus 1. अब देखिए y के दोनों साइन सेम है, कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर लेंगे. तो ये कितना आ गया है? y से y कैंसिल हो गया, एक प्लस और एक माइनस का था. अब 3x प्लस का है और 2x माइनस का है, तो आपस में सबट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़े का हो गया. तो 2 और 1 दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो गया 3. तो नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये कितना आ गया? 1 थी हमारी इक्वेशन 3 into x, that is 3 minus y equals to 2. Yeah, 9 minus y equals to 2. So minus y kitna aya? 2 minus 9. So minus y aya minus 7. Minus se minus cancel hua. So y aya 7. So fraction kitna aya? Fraction equals to x upon y. तो x की वैल्यू कितनी थी? 3 और y की वैल्यू थी 7 इज द आंसर.